यह तीर्थराज प्रयाग श्री वैष्णव का पावन क्षेत्र है। जैसे तीर्थों में कई वैष्णव क्षेत्र हैं, कई शैव क्षेत्र हैं, कई शाक्त क्षेत्र हैं, तो यह तीर्थराज प्रयाग गंगा यमुना सरस्वती भगवती त्रिवेणी का पावन जो क्षेत्र है, यह श्री वैष्णव का पावन पवित्र क्षेत्र है। यहाँ पर भगवान बेणी माधव तीर्थराज प्रयाग के प्रधान देवता हैं। तो माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। भगवती जो गंगा हैं वो भी भगवान श्री नारायण के ही चरणाबिंदों से प्रकट हुई हैं। भगवती जो कालिंदी हैं वह भगवान की 16108 पटरानियों में चौथी पटरानी हैं। इसलिए यह तीर्थराज प्रयाग श्री वैष्णव के आराधना का प्रधान क्षेत्र है। इस तीर्थराज प्रयाग में माघ के महीने में 3 रात्रि पर्यंत भी यदि कोई यम नियम साधना के लिए यहाँ पर निवास करता है, उसको समूचे माघ में निवास करके स्नान करने के बाद साधना करने का फल प्राप्त होता है। 1 माह तक निरंतर यम नियमादियों का पालन करते हुए जो गंगा सेवन भूमि शयन करता है, उसको 1 कल्प पर्यंत साधना का जो फल है, वह फल सहजता में 1 माह की आराधना उपासना में ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए तीर्थ प्रयाग की महिमा का वर्णन तो गोस्वामी जी ने इतने में ही कर दिया है कि को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ। प्रयाग की महिमा को गान करते 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 अंततः संत शिरोमणि श्री गोस्वामी जी महाराज को भी ये कहना पड़ा कि प्रयाग की महिमा का वर्णन वाणी द्वारा पूर्ण गायन संभव नहीं है। इसलिए इस प्रयाग में राम कथा शुभारंभ श्री जागबली जी महाराज के आग्रह पर, भरद्वाज जी महाराज के आश्रम पर राम कथा निरंतर प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर श्री मार्कंडे जी महाराज को भगवान के सामने यह निवेदन करने पर कि मुझे आपकी माया का दर्शन करना है, तो भगवान बालमुकुंद जी जो मार्कंडे जी को माया का दर्शन कराया था, वो भी तीर्थराज प्रयाग में ही कराया था। और प्रलय काल में जब समूचे ब्रह्मांड का लय हो जाता है, तब भी भगवान इसी तीर्थराज प्रयाग में स्थित श्री अक्षयवट में अपने दिव्य शक्तियों द्वारा विराजते हैं। इसका प्रमाण शास्त्रों में जब मार्कंडे ऋषि ने प्रलयकालीन ब्रह्मांड का दर्शन किया, तो अक्षयवट के बटपत्र पर भगवान बालमुकुंद को अपने दाहिने चरण के अंगूठे को मुख में चूसते हुए जब दर्शन किया, तब श्री मार्कंडे जी महाराज को ये बोध हुआ कि भगवान प्रलयकालीन भी इस तीर्थराज प्रयाग की पावन धारा को पावन करते हैं, पवित्र करते हैं और यहीं पर भगवान निवास करते हैं। इसलिए यह तीर्थराज की जो भूमि है वह प्रलयकाल पर भी अक्षुण्ण रहती है। इसलिए यह प्रयाग तीर्थराज प्रयाग तीर्थों में ही नहीं समूचे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ है, जिस कारण से समूचे तीर्थों का समागम, समूचे तीर्थों का आगमन इस भूमि पर जब भगवान सूर्यदेव मकर राशि पर प्रवेश करते हैं, तो देव दनुज किन्नर नर श्रेणी
सादर मज्जही सकल त्रिवेणी इस पावन भूमि पर आने पर समस्त तीर्थों की यात्रा का, समस्त देव आराधना का, समस्त नदियों के स्नान करने का जो फल है वह तीर्थराज प्रयाग के इस माघ महीने में त्रिरात्रि निवास करने पर ही सहजता से प्राप्त हो जाता है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।